ये जो स्टेटर आप देख रहे हो ये उषा कंपनी का बाड़ा प्लस बाड़ा कोयल मिनी सेलिंग पंखा का स्टेटर है। दोस्तों आप देखेंगे कि उषा के एक पंखा आती है मिनी पंखा, जो भारी बॉडी इसका होती है, लोहा के लोहे की भारी बॉडी होती है, ओल्ड मॉडल टाइप का, तो उसी पंखा का ये स्टेटर है। और इसका डाटा जो है लगभग कभी कभी नहीं मिलता है, तो हम इसी का डाटा, ओरिजिनल डाटा आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम इसका डाटा बताएंगे। सबसे पहले देखिए इसका जो कोर है कंपनी का ही वाइंडिंग है, आप देख सकते हैं इसमें पेंट अभी तक लगा हुआ है फिल्म में, तो फास्ट वाइंडिंग हम करने वाले हैं इसका, तो इसलिए इसका डाटा भी हम कलेक्ट कर लेंगे और आपको भी बताएँगे कि इसका डाटा आखिर है क्या। तो छोटा सा आप देखेंगे इस तरह का एक पंखा आती है उषा का, इसमें जो सेफ्ट है वो काटा नहीं होता है, ब्रांडेड कंपनी का जो सेफ्ट है वो मिडिल में काट नहीं रहता है। तो सबसे पहले देखिए इसके जो कॉइल अगर आप काउंट करेंगे इस तरह से 1 2 3 इस तरह से, तो आपको टोटल यहाँ पे रनिंग कॉइल का 12 कॉइल देखने को मिलेगी और 12 स्लॉट ही इसके अंदर रहता है। इसके बाद इसकी जो यहाँ पे देखिए अंदर में फास्ट वाइंडिंग होती है, इसको हम स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं, तो इसका भी टोटल 12 कॉइल यहाँ पर रहता है। तो 12+12 कॉइल का यह सीलिंग पंखा है, मिनी सीलिंग पंखा 24 इंच का। अब हम इस वायर को काट के इसके बाहर निकालेंगे, फिर इसका डाटा कलेक्ट करके आपको बता देते हैं। देखिए हमने वायर जो है इसका काट के अलग अलग कर लिया है, रनिंग का और स्टार्टिंग का वायर अलग अलग से रख दिया। सबसे पहले इस कोर का आप गोलाई साइज़ देखिए कि कितना इंच का है। देखिए लगभग 13 इंच इसका गोलाई साइज है इस कोर का। इसका अब स्टैम्पिंग साइज़ भी जानना ज़रूरी है। देखिए 22 mm इसका स्टैम्पिंग साइज है, तो काफ़ी चौड़ा स्टेटर है इसका, मोटा सा, लेकिन मिनी पंखा का ये स्टेटर है। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग कॉइल यानी अंदर में जो वाइंडिंग होती है उसका डाटा बताने वाले हैं। तो सर देखिए हमने किसी भी एक कॉइल को यहाँ पे गिनती करके रख दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये 300 और ये 85 टर्न। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको टोटल जो टर्न देना पड़ेगा 385 टर्न स्टार्टिंग कॉइल में, हर एक कॉइल में देना पड़ेगा। हमने ट्रान तो यहाँ पे जान गया, अब इसका गेज जानेंगे कि इसमें कितना नंबर का वायर SW इस्तेमाल किया गया है। तो किसी भी एक वायर को आप थोड़ा सा आग से इस तरह से जला लीजिए, इसके इंसुलेशन निकाल दीजिए, उसके बाद इसको हम दोस्तों माइक्रोमीटर के मदद से इसका SW निकालेंगे। ये जो माइक्रोमीटर है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ख़रीदने में, चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ख़रीद लेना। इसके अंदर डाल के इस तरह से घुमाएँगे हम इसको, तो इसका जो नाप है वो mm में निकल के आएगी, जैसे कि आप देख सकते हो 0.21 mm यहाँ पे निकल के आया। अब हम चार्ट में इसको खोजेंगे कि 0.21 mm कहाँ पे है, ये देखिए इस साइड mm में लिखा हुआ है, इस साइड इसका गेज नंबर है। तो सबसे पहले हम mm देखेंगे कि 0.21 mm कहाँ पे है, इस तरह से हम खोजिए, ये देखिए 0.21, तो इसको 35 नंबर वायर हम बोलेंगे, इसका गेज नंबर है। तो इसके अंदर हमें देना पड़ेगा स्टार्टिंग में 35 नंबर का कॉपर वायर यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अब हम रनिंग कॉइल का डाटा आपको बताएं। बाहर में जो वायरिंग होती है लास्ट में, इसको हम रनिंग कॉइल बोलते हैं। तो रनिंग कॉइल का यहाँ पे इस साइड रखा है, तो इसमें से भी एक कॉइल हमने काउंट करके यहाँ पर रखा है। अब इसका डाटा बताते हैं, 100, ये हो गया 200, ये होगा 300 और ये होगा 90 टर्न। तो टोटल रनिंग कॉइल में आपको देना पड़ेगा 390 टर्न आपको रनिंग कॉइल में देना पड़ेगा प्रति कॉइल में। अब इसका भी एक वायर हम ले लेंगे और इसका भी SW निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होती है स्टार्टिंग रनिंग में अलग अलग SW इस्तेमाल होती है, किसी किसी में एक ही SW रहता है, तो SW जानना जरूरी है, तभी आपकी पंखा का अच्छा स्पीड आएगी। देखिए रचेट आप नहीं जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तक गया, आप आवाज़ सुन सकते हो। तो इसका भी देखिए यहाँ पर जो साइज निकल के आया है वो भी 0.21 mm यहाँ पर इसका mm में निकल के आया। इसका भी चार्ट में खोजेंगे तो वही आएगी 35 नंबर कॉपर वायर यहाँ पे, इसका भी गेज नंबर है। तो गेज नंबर इसका भी 35 आ गया, तो टोटल रनिंग स्टार्टिंग कॉइल में एक ही गेज रहेगी 35 नंबर। स्टार्टर का जो टोटल वेट है वो 1 kg 47 g है। देखिए स्टार्टिंग कॉइल का जो वेट है वो 120 g, रनिंग कॉइल का देखिए यहाँ पे 140 g के आसपास। टोटल यहाँ पे देखिए 267 g के आसपास वायर लगेगी आपको। देखिए बाकी इस कॉइल को हमने पूरा वाइंडिंग कर लिया है 35 नंबर कॉपर वायर से, आज जो ट्रान था वही ट्रान डाला कॉइल में। ट्रान दोस्तों जो है बिल्कुल भरा हुआ रहेगी बराबर से, इस तरह से काफ़ी अच्छे से वाइंडिंग हमने कर दिया इसका।
बाकी आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।